और एक राहत वाली खबर, बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए, क्योंकि रात भर बारिश हुई है और जिसके बाद देखिए जो पॉल्यूशन की चादर देखी जा रही थी पिछले कुछ दिनों में वो पूरी तरह से छट गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, जो राहत मिली है पॉल्यूशन से, जहरीली हवा से। बारिश के बाद पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद सुबह देखिए बहुत ही साफ नजारा दिख रहा है, जो धुंध की चादर थी वो छट चुकी है। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन से बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने अब आर्टिफिशियल बारिश का बड़ा फैसला लिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 20 और 21 नवंबर के बीच दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आर्टिफिशियल बारिश का मेगा प्लान सुप्रीम कोर्ट में रखें, जिसमें आर्टिफिशियल बारिश का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाने को तैयार है। अगर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से परमिशन मिल जाती है तो आईआईटी कानपुर के सुझाव पर प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार 20 नवंबर को दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल बारिश करा सकती है, जिसका 13 करोड़ रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। एक तरफ दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी कर रही है तो वहीं दिल्ली एनसीआर में रात में ही हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदूषण में कमी के आसार जताए गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के तरह तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं स्पेस एजेंसी नासा ने दिल्ली को एयर पोल्यूशन के जरिए गैस चेंबर बनाने वाले राज्यों को लेकर खुलासा किया है। नासा की जारी सैटेलाइट इमेजरी में दिल्ली में फैले जहरीले धुएं के कारण को दिखाया गया है और दिल्ली से सटे इलाके में आग के जलने की तस्वीर दिखाई है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली के प्रदूषण का असली कारण क्या है। दिल्ली से सटे राज्यों में अंधाधुंध पराली जलाई जा रही है और ये लाल डॉट उसी की कहानी बयान कर रही है जो दिल्ली में जहरीली हवाएं भेज रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की फुल्की बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फैल रहा था, उस तरह से कहा यही जा सकता है कि ये गैस चेंबर के रूप में तब्दील होती जा रही थी दिल्ली, और इसलिए तरह तरह के नियम भी लागू किए गए थे। ग्रेव 4 को इम्प्लीमेंट किया गया था, आर्टिफिशियल रेन की बात भी की जा रही है। एलजी ऑफिस ने भी मीटिंग बुलाई, दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी मीटिंग बुलाई, एनवायरमेंट मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त राहत की खबर यही है कि जिस तरह से फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इस समय यह सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 550 के ऊपर चला गया था। और एक्सपर्ट जो है उनका मानना यही है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में यदि मौसम भी इसी तरह से रहा, मॉइस्चर नहीं आया, तो ये AQI दिवाली के समय तक 700 तक भी जा सकता है। तो ऐसे में सांस लेना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यदि हम बात करें आर्टिफिशियल रेन की, जो 20 और 21 तारीख को करवाई जानी है, ऐसे में 40% नमी की मौजूदगी का होना बहुत आवश्यक है। और शायद कहीं ना कहीं जो बारिश आज दिल्ली एनसीआर में हुई है वो इस नमी को बरकरार रखने में बहुत ही कारगर साबित होगी, और इसीलिए ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के लिए, एलजी ऑफिस के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जो इस पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन को यानी प्रदूषण को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कम किया जाए।